हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सब लोग आए थे पलेडियम या फीनिक्स मॉल, ऐसा कुछ कहते हैं, बच्चों के साथ घूमने के लिए। और जैसे जैसे बाहर निकलती हूँ तो अब थोड़ा अच्छा लगता है सबसे मिलके, और कॉन्फिडेंस आता है जो बीच में थोड़ा सा चला गया था। और ये सारे लोग बैठे हुए हैं, सबसे हाय हेलो कर लीजिए। यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं। उसके बाद बच्चों को खेलना था गेम। इतना बड़ा मॉल है, इतने बड़े एरिया में बना हुआ है, समझ ही नहीं आता कि गेम जोन है कहाँ पे। मुझे तो आते ही थकान होने लगी थी, फिर बच्चे ऊपर जाके पूछ के आ रहे थे गेम जोन कहाँ पे है। फिर वहाँ पे हमें एक क्यूट सी बच्ची मिली, उसके बाद ये लोग पूछ के आए और उन्होंने बताया कि ईस्ट जोन करके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आपको गेम जोन मिलेगा सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे। तो चलिए चलते हैं। वहाँ पे एंटर किया तो सारे जो डिटेल्स थे वो लिखे हुए थे कहाँ पे क्या है, इन्होंने पढ़ लिया है। अभी चलते हैं और मिल जाए तो अच्छा है। और इसके बाद लिफ्ट आती है, लिफ्ट में हम लोग एंटर कर लेते हैं। फिर ये लोग यहाँ से ऊपर चले गए और ऊपर जाके पता चलता है कि ऊपर कुछ नहीं है, तो मतलब थर्ड फ्लोर पे कुछ नहीं है, सेकंड फ्लोर पे ही आगे जाके हमें मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमें दिख गया था गेम जोन। जब हम गेम जोन की तरफ जा रहे थे ना, तो आसपास ना बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट थे, और उनका जो ये डेकोरेशन था ना, सिटिंग एरिया, ये सब बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए, ये भी कितना अच्छा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और फाइनली गेम जोन मिल गया है, बच्चे खुश हो गए हैं। तो यहाँ से हमने वो कार्ड लिया और उसमें अमाउंट लोड कराया, और अभी चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से गेम हैं और कौन कौन से गेम ये बच्चे को खेलने हैं। तो ये बच्चों वाला बोलिंग का गेम था, जिसमें शायद रजा को इतना इंटरेस्ट नहीं था, और सारा को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसे क्या खेलना है। रेहान आते साथ चालू हो गया था कोई शूटिंग वाले गेम में, और ये तो सारे बच्चों का और स्पेशली बड़ों का भी फेवरेट गेम होता है, तो ये सब ने खेला। हॉर्स रेस वाला भी गेम था, और जो इसके दो हॉर्स थे ना, ये इतने क्यूट लग रहे थे। फिर रेहान को खेलना था कार रेस वाला गेम, और इसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन था। फिर उसको अपनी कार चूज़ करनी थी, उसने कार चूज़ करी। और अच्छा, मुझे तो ये पता नहीं था कि ये कार हिलती है, मतलब लिटरली अगर आप उसमें जंप कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो उसमें भी मूवमेंट हो रहा था। मैं आराम से चिपक के खड़ी थी और वो हिली, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। लेकिन अच्छा गेम था। हाँ, रेहान ने काफ़ी अच्छा खेला। और उसके बाद मुझे कभी इस चीज़ में होप नहीं रहती, मैं पहले भी कह चुकी थी इसमें कुछ नहीं निकलता, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और सच में उस दिन इत्तेफाक से ये जो ट्वीटी थी, क्या बोलते हैं इसको, डोनाल्ड डक पता नहीं जो भी था, वो निकल गया। इतनी खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर रेहान ने और सनी ने ये हथौड़ा मारने वाला गेम खेला। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा गेम खेलूँ, तो सनी ने बहुत ज़िद किया कि चलो हम यही खेल लेते हैं। और लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छा था ही नहीं। क्या करो, बस इधर से मार दो, उधर से मार दो, फिर बस यही कर लिया। फिर ये कोई 3D वाला गेम होता है जो आपको आँखों में एकदम रियल वाला दिखाते हैं ना, डरावना सा। तो ये कोई जुरासिक कोस्टर था, जिसमें अंदर से आपको फील होगा कि आप असली में वो, मतलब वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो देखो, रेहान तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन सारा जो है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो बीच में फिर हमें रोकना पड़ा। अब देखो सारा को। सारा तो उतर गई थी, फिर रिजा बोलती है मुझे तो नहीं जाना है, लेकिन सनी ने कहा मुझे बैठ के देखना है। तो जैसे साइड में आपको टीवी में दिख रहा है ना, ऐसे ही अंदर दिखता है और एकदम रियल लगता है कि एकदम सामने आ गया है। तो बस सनी ने और रेहान ने ये सब खेला। इस टाइम तक तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि मुझे जहाँ बैठने की जगह मिल रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मैं बस बैठ जाऊँ,
और इनका बस ये कंप्लीट हो गया, फिर इन्होंने कुछ भी नहीं खेला। और ये कार मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, लग रहा था कि बस घर ही ले जाऊँ। उसके बाद हम घर आ गए और उस पर शूट भी नहीं किया, फिर एक दिन और नहीं शूट किया। ये है 17 मई का, मतलब एक दिन छोड़ के फिर दूसरे दिन शूट किया। हम लोग गए थे बाहर मैक्सिस मॉल, सनी की अम्मी के लिए हमें मोबाइल फ़ोन लेना था और बच्चों को फिल्म देखनी थी, वो सब देखा फिर घर आ गए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज रात में हम व्लॉग बना रहे हैं, रात में 2 बजे। इससे पहले आपने देखा होगा हम गए थे वहाँ पे पलेडियम मॉल, तो बच्चों को घुमाने के लिए उस दिन काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद अब 2 दिन बाद ये व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये व्लॉग में अभी हम तैयारी कर रहे हैं मौदा जाने की, क्योंकि हम जा रहे हैं मौदा। और सब लोग बहुत से मतलब सब लोग मिस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, जल्दी से आ जाओ तो बस। तो हमने कहा कि चलते हैं, तो बस अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, तो अभी हमेशा की तरह एंड मोमेंट पे सारी तैयारी करनी है क्योंकि सुबह कल 12 बजे निकलना है। चलो सूटकेस निकालते आ जाओ। हाँ, के कपड़े वहाँ पे भी रखे हुए हैं। हाँ। और कुछ यहाँ पे है, देखते हैं। लेकिन ये गद्दा हल्का है अब तो इजिली उठ जाता है। कुछ है तो नहीं वहाँ पे सामान? नहीं, उठ जाओ तुम, उठ जाओ। ये वाला बस एक सूटकेस चीजें निकाल दो। क्या लगा है ये दम्माम से? हम लोग आए थे ना, लगा रहना तो। अरे कपड़े जो है फ्रेंड्स वो हमने यहाँ डाल दिए थे क्योंकि अम्मी लोग अब शिफ्ट कर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, नीचे मेरे काफी सारे कपड़े थे तो अब मैंने ऊपर मंगा लिए। नीचे मुझे दे दिए उन्होंने एक अलमारी, तो उसमें से लेकिन एक्स्ट्रा जो थे वो अभी हमने यहाँ पे मंगा के रख लिए थे। हाँ, ये अभी अभी के कपड़े हैं जो रमजान में सिलाए थे, पहले सिलाए थे, तो ये आ जाएंगे मुझे क्योंकि शायद लूज हो, तो देखते हैं। कोई नहीं, लूज होंगे इंशाल्लाह, ले लो। निकालते हैं फिर फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं। ये आ जाएगी ना, लूज है ना। ये मैंने पता है वहाँ पे जाने के लिए लिए थे जब उमरा पे जा रहे थे। फिर वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि वहाँ ज्यादा अबाया ही पहनना है, तो फिर ये यूज नहीं है। ये वाला आपको याद है कहाँ से लिया था? बता दोगे तो सोचूंगी बहुत होशियार हो। दिल्ली से? नहीं, अजमेर शरीफ से। तो बस हम लोग हो गए रेडी और टाइम भी हो गया है, अभी 12:16 हो रहा है और 15 मिनट में हमको यहाँ से निकलना है। तो हम लोग फटाफट जाते हैं नीचे, अम्मी से मिलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं, फिर बाकी आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। चलो, बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। चलो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? कपड़े फैला रहा है, कल फिर अच्छा कुछ खिलाओ। हाँ, चाय बन रही है। हमारा ब्रेकफास्ट अंडे, अब मैं हमेशा रोज खाती हूँ, और ये चाय। ये तीनों लोग आ गए हैं, 10-10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे तुम लोग। अच्छा, पैसे दे रहे हैं। चलेगा पक्का? तुम पहले निकाल देना अपने भाई बहन को 500 नोट। बताओ। अरे 500 क्यों दे रहे हो? अरे भैया, तुम्हारी बहन सोचेगी पूरा, तुम लोगों को दे दो। बच्चों को अब हमेशा देते हैं जब कहीं जाते हैं। बचपन से हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो तुम्हें कितने मिलते थे उस टाइम पे? 50-100। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो। चलो सब बच्चों लोग, कल तुम लोग जो फिल्म दिखाई है महा बेकार। इतनी अच्छी अच्छी थी वो। लेके चलो फिर। चलो चलो, अब कोई रोने वाले, जल्दी चलो। कवर अम्मी किसी ने भेजा था आपके बैठ जाते हैं। क्यूट है, बहुत क्यूट है। बर्थडे पे अम्मी क्या आया था अभी तक रखा हमारे पास। क्यूट है, अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। चलो ठीक है, बाकी ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़। ध्यान रख। हां चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। हम लोग बस निकल ही रहे हैं। हां हाँ, मतलब एक सवा एक तक निकलोगे तो भी आराम से पहुंच जाओगे ना। चार है ना? हाँ, आ जाओ। पापा से नहीं भी जा रहे हैं ना? जा रहे हैं अब। ठीक है, चलिए ठीक है, आते हैं जल्दी। चलो हंस के जाओ, हंस के जाओ और हंस के जाओ। और क्या, हाँ अब लेकिन ऐसी मूवी दिखाने मत जाती हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी मूवी दिखाने मत जाती। मजबूरी में गए थे वो तो, अब नहीं था। देखो अभी गरीब मजबूरी में गए थे। हाँ, और रात में गरीब बहुत अच्छी मूवी है। किसी का भाई किसी की जान देखने गए नहीं, लेकिन तो वो ठीक है वाली, लेकिन ये भी अच्छी लगी। चलो जाए। हाँ ठीक है, चलो अब जाने का टाइम आ गया, चलते हैं, कोई रोएगा नहीं। हाँ
सब लोग खुश हो गए हाँ मोहब्बत से हाँ फिर आ जाइए तुम ठीक है बच्चा पार्टी हाँ चलो फिर लगे तुम चल रहे हैं ठीक है फिर आइए चलो ठीक है चलो आराम से कोई दिक्कत नहीं कुछ यहाँ छोड़ा तो नहीं है तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन और हमारी ट्रेन भी सामने लगी हुई है बस अब बैठे हैं कुछ खाएंगे भूख बहुत तेज लगी है और नींद मुझे बहुत तेज आ रही है ट्रेन में भी हमें हमारे सब्सक्राइबर मिले थे बहुत ही अच्छी फैमिली थी मिलके अच्छा लगा फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए ले ली थी क्योंकि मुझे आजकल भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ट्रेन में तो कुछ भी नहीं आता ऐसा और हमने फिर अपना लंच भी कर लिया है लंच में हम लोगों ने लिया था क्या लिया था मिक्स वेज पुलाव लिया था हमने जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था फिर ट्रेन की तरफ से भी हमें इवनिंग का जो स्नैक मिलता है वो था लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं था और उसके बाद रात का खाना ट्रेन में बस ये जो जो खाया बस वही शूट किया बाकी ज़्यादा व्लॉग करने का मन नहीं था ये अम्मी और नाचा खाने बड़े प्यार से बना के दिया था हमने ये खाया तो हम लोग पहुंच गए झांसी फ्रेंड्स अभी ज़्यादा आपको व्लॉग नहीं देखने को मिलता होगा मतलब बहुत बेसिक चीज़ें मैं शूट कर लेती हूँ और सनी जितना कर देते हैं धीरे धीरे मैं फिर से अपने उसे रूटीन में ला रही हूँ इतने दिन बीच में व्लॉग नहीं बनाया ना तो अभी बाहर थोड़ा सा व्लॉग करने में या किसी के सामने करने में फिर से थोड़ी सी झिझक सी हो रही है लेकिन धीरे धीरे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी तो बस फिर हम लोग यहाँ पे चाय के लिए रुके थे सुबह अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी ठीक है तो आप सबको जुमा मुबारक हम दोनों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए घर मौदहा और थोड़ा थोड़ा नींद पूरी कर ली है और नमाज भी पढ़ के आ गया हूँ और सब मैंने भी रेडी हो गए नहा धो के अब जाएंगे नाश्ता करेंगे बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो तुम्हें लगी है चलें तो नीचे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा जल्दी फटाफट चलो और खाते हैं कुछ